टाइटन का चार्ट देखिए, अब देखिए टाइटन का चार्ट की यदि हम एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि यह स्टॉक जो है अभी बाइंग रेंज में नहीं आया, इसका प्राइस 3311 के ऊपर है। जब भी इसका प्राइस 3311 के नीचे आएगा तो हम इसमें बाइंग करके चलेंगे विद द स्टॉप लॉस 2967, ठीक है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा संशय है, ये है कि जब भी इसकी क्लोजिंग मंथली इसके नीचे आ जाएगी दोस्तों, 3311 के नीचे अगर आती है तो इसमें डबल टॉप पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको देखिएगा रडार पे जरा, 31 अक्टूबर को अगर इसकी क्लोजिंग इसके नीचे आती है तो थोड़ा सतर्क रहने की कोशिश कीजिए, तो इस स्टॉक में निवेश नहीं किया जाएगा, ठीक है। इस स्टॉक से दूर रहेंगे क्योंकि डबल टॉप पैटर्न गिरा के प्राइस को 2581 के स्तर तक लेके जा सकता है, ठीक है। अब इसमें हम एनालिस्ट का टारगेट देखते हैं, टाइटन का क्या निकल के आता है। तो टाइटन का यदि हम एनालिस्ट का टारगेट देखें तो इसमें 54% ही केवल एनालिस्ट बाइंग करने के लिए कह रहे हैं। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख रहे हैं इंक्रीज हुई है, रिटेल की भी होल्डिंग इंक्रीज हुई है पिछले क्वार्टर में, और यहां से मिनिमम टारगेट जो है आपको अपसाइड में 13% को देखने को मिल सकते हैं और मैक्सिमम 5000 के टारगेट देखने को टाइटन में मिल सकते हैं, ठीक है। और टाइटन